नमस्कार, आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ए सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लांट किंगडम की एक ऐसी बेनिफिशियल रेमडी जो निश्चित तौर पे बहुत ही इफेक्टिव रेमडी है। फ्रेंड्स, हम अपने प्रैक्टिस में इससे मिलते जुलते लक्षण के पेशेंट को कई बार इस रेमडी को हम दिया या क्या ऐसा समझ सकते हैं कि मैक्सिमम केसेस में हम इसको देते ही हैं फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसका कारण यह है फ्रेंड्स कि जैसा कि आपको पता है कि हम आप जिस वातावरण में पले बढ़े हुए हैं उसी वातावरण में ये रेमडी भी पली बढ़ी हुई है और हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम वहाँ की निर्मित चीज़ें, क्योंकि ये प्रकृति का नियम ही है फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा कि जिस वातावरण में, जिस जलवायु में जो भी जीवधारी, मनुष्य के कोई भी जीवधारी रहते हैं और वहाँ की बनी हुई चीज़ें उनके शरीर के लिए वो वरदान साबित हो जाती हैं और बहुत ही इफेक्टिव होती हैं फ्रेंड्स। जबकि अन्य जलवायु की चीज़ें होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उतना अच्छा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि उतना इफेक्टिव शायद नहीं होती है फ्रेंड्स। ऐसा कोई हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिस में हमने ये चीज़ पाया है। उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स कि हम इस रेमडी को देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस रेमडी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इस रेमडी का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है। अब निश्चित तौर पर इंडियन प्लांट किंगडम की रेमडी है, इसका हिंदी नेम क्या है इसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स, और किस प्रकार से बेनिफिशियल है, किस लक्षण के पेशेंट को ये रेमडी दी जाती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा फ्रेंड्स, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हो सके आप लिंक शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, जिससे लोगों को इसकी सही जानकारी हो सके और इसका जो मेडिसिनल यूजेस है उसका सही लाभ प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है, सबसे पहले आज मैं आपको हिंदी नेम बताना चाहता हूँ। ये करेला, यानी कि जिसको साइंटिफिक नेम फ्रेंड्स उसका है मोमोर्डिका चरेंसिया के नाम से वो जानी जाती है फ्रेंड्स। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मोमोर्डिका है। इसका जो कॉमन नेम है फ्रेंड्स वो है विटर मेलॉन और विटर गोल्ड के नाम से जानी जाती है, जिसको अपन करेला बोलते हैं। यानी फ्रेंड्स, ये करेला के जो फल होता है उसका जो टिंचर होता है, करेला के फल को लेके उससे टिंचर तैयार कर लिया जाता है, यानी कि उसका जो अर्क है उसको ले लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट है उसको प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद इसको कई रूपों में डायलूट कर दिया जाता है अलग अलग पोटेंशियल में, और जब लक्षण मैच करते हैं इस रेमडी को दिया जाता है और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि करेला तो सब्जी के रूप में आप सब खाते हैं, हम सब खाते हैं, लेकिन वो तो एक प्रकार का खाना हो गया, लेकिन उसी को जब पोटेंशियलाइज कर दिया जाता है तो औषधि बन जाती है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जैसे आपने नीम को देखा होगा, नीम एजारी रक्टा एंडिका उसका साइंटिफिक नेम है। हम सब उसको देखते हैं, उसकी पत्ती को डायरेक्ट हम आप नहीं खा सकते लंबे समय तक, कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, लेकिन उसी के बाद जब रेमेडी बन जाती है, उसका शोधन हो जाता है, तो कई चीज़ों में वो बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कोलोट्रोफिस यानी मदार, आपने सेट्रामोनियम आपने देखा होगा, यानी कि आपका सेट्रामोनियम एंड धतूरा, तो ये कितनी खतरनाक चीज़ें हैं, लेकिन इसकी जब रेमेडी बन जाती है तो ये अमृततुल्य यानी कि एक प्रकार का बहुत अच्छा हमारे शरीर के लिए ये काम करती हैं और एक बहुत अच्छी रेमेडी बन जाती है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जब शोधन किया जाता है इसमें जो हार्मफुल चीज़ें हैं उसको अलग कर दिया जाता है और इसके जो मेडिसिनल पार्ट है उसको प्राप्त कर लिया जाता है फ्रेंड्स, या कि डाइल्यूट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि जो रेमेडी है ये बहुत अच्छा काम करती है मोमोर्डिका, स्पेशली चिकन पॉक्स के सिम्टम्स हों या कि चिकन पॉक्स किसी को हो गया है तो इसको पिलाया जाता है और बाहर एलो के साथ इसको मिला के लगाया भी जाता है फ्रेंड्स। कोराजिया और इन्फ्लुएंजा यानी कि सर्दी, जुकाम, पानी आना, ब्रोंकाइटिस होना, ऐसे कई केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। कॉन्स्टिपेशन, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जिसको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहा हो उसके ऊपर भी ये रेमडी बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। डिसेंट्री, डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी डिसेंट्री, ये चीज़ बना रहता है फ्रेंड्स। तो हलोनिया डिसेंट्री का दिया जाता है, कई चीज़ें हैं फ्रेंड्स, अलग अलग रेमडीज दी जाती हैं अलग अलग कंडीशन पर ये भी बहुत ही इफेक्टिव रेमडी है फ्रेंड्स। हम आपको बताना चाहते हैं ये रेमडी बहुत ही यूनिक रेमडी है, स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जिनका ब्रेस्ट जो नेचुरल ग्रोथ है वो किसी कारण की वजह से या कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या कि मल न्यूट्रिशन की वजह से कई बार जो सही ग्रोथ है वो नहीं हो पाता ब्रेस्ट का, ऐसे कंडीशन में इस रेमडी को दिया जाता है तो निश्चित तौर पर उनको ग्रोथ करने में मदद मिलती है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से चीमाफिला भी दिया जाता है फ्रेंड्स, फाइटोलॉगा उसमें से जब ओवर ग्रोथ हो जाता है उसमें दिया जाता है चीमाफिला, और मोरोटिका जब
अंडर ग्रोथ यानी कि प्रॉपर जब ग्रोथ नहीं हो पाता ब्रेस्ट का, ऐसे कंडीशन में इस रेमडी को याद किया जाता है जो कि एक नेचुरल ग्रोथ करने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स ये रेमडी बहुत अच्छा काम करती है डायबिटिक पेशेंट के लिए। जैसा कि आपको पता है जो डायबिटीज का रोगी होता है उसको करेला दिया ही जाता है फ्रेंड्स खाने के लिए, और कई प्रकार तो मार्केट में करेला के साथ जूसेस भी मिलते हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी ये रेमडी बहुत ही यूनिक काम करती है। फ्रेंड्स कुल मिला के इस रेमेडी का जो एक्शन है वो हमारे ग्लैंड्स के ऊपर और ब्लड के ऊपर है फ्रेंड्स, स्पेशली ब्लड के ऊपर है, तो ब्लड प्यूरिफायर के रूप में जानी जाती है। और जो डायबिटीज की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा जो हमारे ब्लड में बढ़ती है, जो डायबिटीज डायबिटिक पेशेंट हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि जो उनके ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 250, 300, 400, 450 ऐसा आपने सुना होगा। ऐसे कंडीशन के पेशेंट को इस रेमडी को दिया जाता है तो नेचुरल तरीके से उनकी जो डायबिटीज है वो बैलेंस होती है। इसके साथ साजेजियम जिम्बोलिकम दिया जाता है, जिम्नेमा सिल्वेस्टास है, सेफ्रानिरा इंडिका है, एब्रोमेगास्टा है, तो अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर अलग अलग रोगियों की रेमडीज दी जाती हैं। लेकिन इस रेमडी को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि स्पेशली ये जो काम करती है फ्रेंड्स वो ब्रेस्ट के ऊपर काम करती है, दूसरा चीज को राजा इन्फ्लुएंजा के ऊपर, चिकन पॉक्स के ऊपर, ब्लड प्यूरिफिकेशन के ऊपर और डायबिटीज के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ, तब तक।